क्या पता था? हमारे इनको कह रहे थे कि बाहर लोगों को रहने में दिक्कत हो रहा, हम उधर से आ रहे थे तब भी देख रहे कितनी बड़ी संख्या में उधर से घर आ रहे हैं और लोग खड़े हैं। तो इसका मतलब है कि आपको तो इसके अलावे कर देना चाहिए था, गांधी मैदान में कर देना चाहिए। यही तो बड़ी जगह है, लेकिन देख रहे इतनी बड़ी संख्या में यहाँ के, आज तक किसी भी कार्यक्रम में हम आए हैं, 18वां साल है मेरा और इसमें किसी भी कार्यक्रम में आए हैं इतनी बड़ी संख्या में किसी कार्यक्रम में। बात तो मुझे खुशी है कि बहुत भारी संख्या में यहाँ सब उपस्थित हुए हैं और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और यहाँ उपस्थित सभी बहनों एवं भाइयों, और मैं पुनः भाई अशोक चौधरी जी का मैं अभिनंदन करता हूँ। इन्होंने मुझसे ही कहा था कि हम पूरा घूमेंगे और उसमें हम ये बात करेंगे कि नहीं जरूर घूमिए, और जब घूम करके सब लोगों से बातचीत करके और उन्होंने कहा कि हम कार्यक्रम का आयोजित करेंगे तो इन्होंने कह दिया, पहले ही कोई दिन कर रहे थे तो उस दिन तो हम लोग इंगेज थे, आज ही का दिन तय हुआ, आज का दिन उन्होंने तय किया। तो इसलिए हमको लगा कि इतनी बड़ी संख्या में, अब आप समझ लीजिए हम तो आपकी सेवा करते हैं, अब आपकी जब संख्या उपस्थित है आपकी सेवा हम और करता रहेंगे। अब आप सोच लीजिए कि जो लोग दिल्ली में राज कर रहे हैं और सब जगह अपना प्रचारित करते हैं और देख लीजिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पत्रकार मित्र भी खड़े हैं, अगर उनका कार्यक्रम हुआ तो कल बोगसे न हुआ। अगर आप देख लीजिए ये हम लोगों के यहाँ पार्टी का कार्यक्रम कितना बड़ा कार्यक्रम हुआ, आप सब लोग तो आ गए, बड़ी कृपा है। हम अरे आप लोगों को तो बाध्य कर देगा कि जावे मत चर्चा करो, तो अलग बात है, लेकिन आप सब लोगों के प्रति तो मेरा सम्मान है और इज्जत है, और जब उन लोगों से मुक्ति हो जाएगी तो फिर सारे पत्रकार लोगों का अधिकार वापिस आ जाएगा और फिर बड़े पैमाने पर जो लिखते हैं सबके हित में, कहीं भी किसी के साथ कोई गड़बड़ी होती है तत्काल चर्चा करते हैं। और आप जानते हैं शुरू से ही जब हम देखते थे अखबार और सब कुछ और जरा सा भी कोई सूचना रहती थी उसी दिन हम पूरी चर्चा करते थे अधिकारियों से, यहाँ पर क्या हुआ जी हमको बताओ। आप तो इतना बढ़िया काम करते रहे हैं लेकिन आजकल तो छोड़ दिया है, आजकल तो दिल्ली वाले का चर्चा करने में आपका समय लग जा रहा है, यही सब कर रहा छोड़िए ना। उसके बाद आज देख लीजिए हम लोगों का कहीं कोई हो या नहीं हो प्रचार, लेकिन जरा देख लीजिए कितनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और सब लोग साथ में हैं, हम सब लोगों के साथ में है, समाज के हर लोगों के प्रति हम सेवा करते हैं। आज शुरू से जान रहे जी इन लोगों को पहले कोई ध्यान दिया था तो हम ही लोगों ने तो सब काम शुरू कर दिया, और उस काम को शुरू करने के बाद लोगों के पढ़ने के लिए, लोगों को आगे बढ़ने के लिए सब कितना काम कर पाए, और उसका फायदा है कि सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक बार चिंता आप लोग मत करिएगा, अगर आप लोगों को लगे कि कुछ और काम होना चाहिए, हम तो घूमते रहते हैं और लोगों का जो और पता करना होगा और लोगों का काम करते रहेंगे, सब हित में काम करते रहेंगे, काम ही है तो काम ही है सबके हित में। और भाई एक आध को कोई कागज दिखा रहा है, एक आदमी जाके ले लो कागज, हम सबका कागज सब में, कभी कोई किसी के इलाके में कोई चीज होगा उसको भी हम देखेंगे, चिंता मत करो। तो इसीलिए हम इतना ही कहेंगे कि आप सब लोग उपस्थित हुए हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। और आप जानते हैं कि यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मैं सबसे पहले नमन करता हूँ। आज के इस अवसर पर ही हमने कहा था कि आज ही कार्यक्रम कर दीजिए,
ताज कितना बड़ा चीज है, जो देश का जो बन गया संविधान तो कौन बनाए, इन्हीं के नेतृत्व में कमिटी बनी और आज ही के दिन 47 में बन के तैयार था 1949 में। और वही उसके बाद ये तैयार हो गया तो उसके 2 महीने के बाद और आज ही का दिन जो था 26 तारीख, वही 26 जनवरी को ही ये शुरुआत हो गई और उसी दिन से लागू हो गया। और हम लोग तो बचपन से जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कितना काम किया भाई। अब आप जानते हैं वो तो जहां उनके परिवार से भी मिलने के लिए हम जाते रहे, एक एक तरह हर तरह से हमारा संबंध है और एक एक चीज हम सबकी जानकारी लेते रहे हैं, सबसे ज्ञान प्राप्ति करते रहे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।